तो अगर आप ऑनलाइन में परेशानी में हो कि कौन सा कैमरा बाई करें, क्या 1.5-1.5 लाख, 2-2 लाख के कैमरा बाई करें, या फिर ये बेंचमार्क का कैमरा जो 4K वाला है और फुल HD वाला है वो बाई करें, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि मैं ये कैमरा लास्ट 3 महीने से यूज कर रहा हूँ। ये 3 महीने के अंदर मैंने जो रिजल्ट देखा है हमारे कोर्स के अंदर, हमारे यूट्यूब के अंदर, और जो सब्सक्राइबर गेनिंग भी हो रहे हैं वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। और ये 3 महीने के बाद भी अगर मेरे को टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो एक कॉल पे टेक्निकल सपोर्ट आराम से मिल जाता है। चंदन सर का भी सपोर्ट पूरा मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि कैमरा दे देने के बाद सर लोग अपने काम में हमारा कोई ध्यान ही ना दे। हेलो टीचर्स, माई सेल्फ प्रियेश पटेल, मैं हूँ गांधीनगर गुजरात से। कोविड के टाइम हम सब मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके थे। उस टाइम पे हमने हमारी YouTube चैनल पे वर्क करना शुरू किया, जो आपको पीछे दिख रही है प्रिय सर विद्यापीठ हमारी YouTube चैनल है, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन टीचिंग देते हैं। साथ में हमारा ऑफलाइन तो कंटिन्यू है, हम इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, साथ में 11-12 साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे हमें जब ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ा, उस टाइम पे हमने पैनल तो परचेस कर ली, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी कैमरे की, क्योंकि यूट्यूब पे हमें लाइव सेशन कंडक्ट करने थे। अब यूट्यूब पे जैसे ही हमें लाइव सेशन कंडक्ट करने हैं तो इसके लिए जरूरत पड़ती है एक अच्छा कैमरा, एक अच्छा कैप्चर कार्ड, बहुत अच्छी बैटरी कैमरे की, और एक आदमी जो वहां पर बैठा रहे, सब चेंज करता रहे। अब हमने शुरुआत की, हमारे पास 700D पड़ा था और 700D से शुरुआत की, लेकिन पता चला इसमें कैप्चर कार्ड यूज नहीं हो रहा है। तो केबल लाए, केबल से ट्राई किया, लेकिन बहुत खराब रिजल्ट। फिर हमने क्या किया, मोबाइल से लाइव जाना शुरू कर दिया। मोबाइल से लाइव जाना शुरू किया तो वहां पे पता चला कि कैमरा बहुत नजदीक रखना पड़ता है, ब्लर के प्रॉब्लम्स हैं, इतना मजा मोबाइल के कैमरे से लाइव में यूट्यूब में नहीं आ रहा है। फिर हमने 700D से जैसे तैसे करके रिकॉर्डिंग किया और वीडियो डालना शुरू किया। अब रिकॉर्डिंग में सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो थी फ्लिकर्स की, जो ब्लैक ब्लैक फ्लिकर्स आते हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर हमने ब्लैक बैकग्राउंड साइड किया, हमारा काम चल रहा था, लेकिन फिर सोचा कि YouTube पे लाइव जाना है तो यहाँ से काम नहीं चलेगा। फिर दोस्तों से बातें की, सबने बोला पैनासोनिक ले लो, किसी ने बोला सोनी ले लो, लेकिन सब में दिक्कत यही थी, एक तो मेमोरी कार्ड, दूसरा कैप्चर कार्ड, तीसरा बैटरी, ये सब चेंज करते रहने का। कभी कभी कैप्चर कार्ड बिगड़ जाता है, वो भी अच्छा कैप्चर कार्ड हो 12-14 हज़ार का तो अच्छा रिजल्ट आता है, 2-3 हज़ार के कैप्चर कार्ड में रिजल्ट अच्छा नहीं आता, और अकेले एक बंदे से तो लाइव जाना पॉसिबल है ही नहीं। फिर मैंने YouTube सर्च करना शुरू किया। जैसे ही मैंने YouTube सर्च करना शुरू किया तो मैं एक YouTube चैनल पे पहुंचा, स्मार्ट इन्फोविजन। स्मार्ट इन्फोविजन की YouTube चैनल से मैंने देखा कि चंदन सर जो वीडियोस बना रहे थे, मैंने थोड़ा अंदर सर्च किया और फिर मेरे को वहां पे पता चला कि PTZ नाम का कैमरा नया मार्केट में आया है, बेंचमार्क का। फिर मैंने PTZ कैमरा के बारे में सर्च करना शुरू किया। वो सर्च के बाद मेरे को पता चला कि ये तो कॉन्फ्रेंस का कैमरा है। मेरे दिमाग में तो सबसे पहले यही आया, और ये जो पैनल मैंने जहां से ली थी उनको भी मैंने पूछा कि सर ऐसा कोई कैमरा है, तो बोला कि है हमारी कंपनी के पास भी कैमरा है, लेकिन वो तो कॉन्फ्रेंस का है, उसमें आप लाइव नहीं जा सकते। लेकिन सर बोल रहे थे लाइव जाना बहुत आसान है। सर ने 4-5 सेटअप भी करे थे, जिसकी वीडियोस यूट्यूब में पड़े थे, मैंने वो सर के वीडियोस भी देखे रिव्यू के, जैसे आप मेरे रिव्यू के वीडियोस देख रहे हो वैसे मैंने उनके भी रिव्यूज के वीडियो देखे। उन्होंने तो बोला कि ये क्लियरिटी जो आप वीडियो की देख रहे हो यहाँ पे, अभी ये जो क्लियरिटी आप देख रहे हो वो बेंचमार्क का कैमरा ही है। तो मैंने सोचा कुछ तो भाई गड़बड़ है। फिर मैंने चंदन सर को कॉल किया उनके नंबर से। सर ने बहुत अच्छे से मेरे साथ बात की, सब मेरे को समझाया। सर ने बोला कि सर ऐसा नहीं है, ये मार्केट में बहुत सारा ऐसा चल रहा है जो आपको मिसगाइड कर रहा है। तो उस टाइम पे मैंने सर को बोला कि सर मेरे को ये कैमरा चाहिए ही चाहिए। तो सर ने बोला कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने पेमेंट कर दिया, और पेमेंट भी बहुत बड़ा था। आप YouTube के प्लेटफॉर्म से, अभी आपको पता होगा कि बहुत सारे फ्रॉड Instagram में भी हो रहे हैं, 150 रुपीज़ में 300 रुपीज़ में आप पैसे दे दो फिर वो अकाउंट ही नहीं होता। तो इतना बड़ा पेमेंट सर को देना था, तो ऑब्वियस है सबको टेंशन तो होता ही है, तो और कोविड की सिचुएशन में तो सबको हो रहा था। लेकिन जितने भी जेन्युइन फीडबैक्स थे जो हमने देखे, उसके ऊपर से हमने देखा, हमने पेमेंट पूरा कर दिया और सर ने विद इन गिवन टाइम हमें कैमरा प्रोवाइड कर दिया। और फिर सर ने उस टाइम पे हमें बोला था कि आप अकेले ही रिकॉर्डिंग अपने कमरे में कर पाओगे, वो मेरी गारंटी है, वरना कैमरा आप वापस दे देंगे। क्योंकि हमने सर से बोला था कि सर एक आदमी रखना पॉसिबल हमारे लिए नहीं है। और अभी भी ये जो रूम है उसके अंदर मैं हूँ, कैमरा है, सामने सेटअप है, यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड है, हम अकेले रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इतना इजीली, इतना अच्छे से रिकॉर्ड होता है। और बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे जूम इन और जूम आउट के लिए ये बहुत सिंपल सा एक रिमोट दिया है। यहाँ से आप इसको ऊपर नीचे आराम से कर सकते हो। आप देख रहे होगे कि स्क्रीन नीचे जा रही है, वापस देख रहे होगे स्क्रीन ऊपर जा रही है, लेफ्ट राइट अगर आपको करना है तो आप आराम से ये सब सेटअप आराम से ये सब इसमें से एक बटन से कर सकते हो। फोकस सेटअप करना बहुत इजी है, और टेक्निकल टीम का सपोर्ट भी, सर की जो टेक्निकल टीम है उनका भी सपोर्ट बहुत मस्त है। तो अगर आप ऑनलाइन में परेशानी में हो कि कौन सा कैमरा बाई करें,
क्या 1.5-1.5 लाख 2-2 लाख के कैमरा बाई करें, या फिर ये बेंचमार्क का कैमरा जो 4K वाला है और फुल HD वाला है वो बाई करें। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि मैं ये कैमरा लास्ट 3 मंथ से यूज कर रहा हूँ। ये 3 मंथ के अंदर मैंने जो रिजल्ट देखा है हमारे कोर्स के अंदर, हमारे यूट्यूब के अंदर, और जो सब्सक्राइबर गेनिंग भी हो रहे हो बहुत अच्छे हो रहे हैं। और ये 3 महीने के बाद भी अगर मेरे को टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो एक कॉल पे टेक्निकल सपोर्ट आराम से मिल जाता है। चंदन सर का भी सपोर्ट पूरा मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि कैमरा दे देने के बाद सर लोग अपने काम में हमारा कोई ध्यान ही ना दे। तो ये जो उसके बाद का सपोर्ट होता है उसके ही आप पे कर रहे हो। कैमरा तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होता है वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी नॉन टेक्निकल बंदों को भी थोड़ा बहुत टेक्निकल सीखना पड़ता है। अभी हमारे यहाँ पे 8 से 9 टीचर आ रहे हैं, उसमें से 2-3 टीचर ऐसे जिनको टेक्निकल में कुछ पता नहीं चलता, तो उनको भी ये कैमरा यूज करना बहुत ईजी हो गया है, क्योंकि सारे सेटअप ईजी ही है। खाली एक नंबर प्रेस करो, फोकस अपने आप यहाँ पे सेट हो जाता है और रिकॉर्डिंग करना शुरू करना है। तो इससे अच्छा तो क्या सेटअप हुआ, एक नंबर ही खाली यहाँ पे रिमोट में आपको प्रेस करना है। तो ये बहुत ईजी सेटअप है। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको कैमरा बाई करना है और बहुत कुछ ढूंढ रहे हो, सर्च कर रहे हो, फिर कंफ्यूजन में हो, तो कोई कंफ्यूजन लेने की जरूरत है नहीं। आप सर का कॉन्टेक्ट करिए, आप यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर जाएंगे smartinfovision.com, तो भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन सर से या फिर उनकी टीम से मिल जाएगी, और आप कैमरा बाई करके आपका जो ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है वहां से बहुत सारे जो यूथ है उसकी हेल्प आप आराम से कर पाओगे। थैंक यू।